हमारे परिवार के साथ ही हुई थी। फिर हुआ अंधेर में हुआ, बुरा कर्म का बुरा नतीजा होता है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक आने से हुई मौत के बाद मुख्तार अंसारी की मौत पर अजय प्रकाश सिंह के भाई हरेंद्र सिंह ने का बयान सामने आया है। मुख्तार अंसारी को कानून ने सजा दी थी, आज ईश्वर ने भी सजा दे दिया। हरेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्तार अंसारी को ईश्वर ने सजा दे दी है, हालांकि अभी उसकी मौत हुई है लेकिन उसके गैंग के और लोग भी हैं। अभी अपराध खत्म नहीं हुआ है, उसका भाई अफजल अंसारी अभी जिंदा है। ये तो मौत ईश्वरी है, लेकिन जो हमारे परिवार के साथ उन्होंने किया था, देर हुआ अंधेर नहीं हुआ, बुरा कर्म का बुरा नतीजा होता है। कुछ अपने घाव पे मरहम जैसे लगा, वो जो दर्द है, जो क्षति हुई वो पूर्ति तो नहीं होगी जो इनके द्वारा की गई थी। आज कुछ दिल को तसल्ली हुआ है कि ईश्वर ने हम लोगों के साथ न्याय किया। हरेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे भाई के साथ ठेकेदारी के रंजिश को लेकर 29 अगस्त 2009 को गाजीपुर तिरहा के पास निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके साथ राजेश राय को भी गोली लगी थी, ड्राइवर संदीप साव को गोली लगी थी। 2 महीने बाद राजेश राय की भी मौत हो गई। वो इतना दुर्दांत अपराधी है, उसमें चश्मदीद गवाह राम सिंह मौर्य थे जो हम लोगों का काम देखते थे, लेकिन वो गवाही न दे पाए। इसके लिए उन्होंने 19 मार्च 2010 को उनकी भी हत्या कर दी। उनके साथ सुरक्षा में लगे सतीश सिंह को भी गोली से भून दिया था। हमारे भाई के साथ ठेकेदारी की रंजिश को लेकर 29 अगस्त 2009 को यहीं गाजीपुर तिराहा के पास उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके साथ राजेश राय को भी गोली लगी थी, ड्राइवर संदीप साहब को भी गोली लगी थी। 2 महीना बाद राजेश राय भी मर गए। और इतना दुर्दांत अपराधी है, उसमें वादी मुकदमा तो हम थे ही, चश्मदीद गवाह राम सिंह मौर्य थे जो भाई साहब का हम उनका काम देख रेख करते थे। गवाही न देने पाए इसके लिए, इससे इसके लिए उन्होंने 19 मार्च 2010 को उनकी भी हत्या कर दी। उनके साथ सुरक्षा बल में लगे सतीश सिंह को भी गोली से भून दिया। मुख्तार अंसारी जुर्म की दुनिया का वो बादशाह था जो लंबे समय तक जेल में तो रहा, लेकिन किसी भी जेल की सलाखें उसके रुतबे को कम नहीं कर सकी। वो जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को चलाता रहा और लोगों को डराने, धमकाने और हत्या करने जैसे काम करता रहा। ये तो इतना दुर्दांत था कि जेल में बंद रहते हुए भी कृष्णानंद राय की भी हत्या जेल में बंद रहते हुए कराई थी, जिसका वीडियो क्लिप, आवाज का वॉइस का वीडियो क्लिप शासन प्रशासन द्वारा जारी किया गया है कि वहाँ घटना हो रही है और अभय सिंह से ये बात कर रहा है। ये वीडियो क्लिप सामने आई थी, सारे लोग जानते हैं। तो वो जेल में बैठे बैठे और किसी की भी हत्या करा सकता है। लोकल 18 मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।